डॉक्टर कुलदीप और लैब टेक्नीशियन के खिलाफ लगातार मिल रही लगातार शिकायतों और गोपनीय जांच के बाद डीएम ने कार्रवाई करते हुए एफआईआर के आदेश दे दिए, जिसके बाद दोनों के खिलाफ एफआईआर भी हो गई है। लंबे अरसे से शिकायत मिली थी कि ये दोनों स्वास्थ्य कर्मचारी मरीजों को बाहर की दवाइयां लिखने और बाहर की जांचों के लिए मजबूर करते थे। जिलाधिकारी चांदनी सिंह ने एफआईआर दर्ज कराकर शासन को रिपोर्ट भेज दी है। पूरा मामला जनपद जालौन के कदौरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है। कल हमें कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही थी सीएचसी कदौरा से कि वहाँ पे बाहर की दवाइयाँ लिखी जा रही हैं और खून की जांच के लिए बाहर निजी पार्ट लैब में भेजा जा रहा है लोगों को, जहाँ पे लोगों से कुछ पैसा भी लिया जा रहा था। तो हमने वहाँ पे एक कल जांच कराई गोपनीय रख के, और एडीएम वहाँ पे गए हमारे और उन्होंने कुछ लोगों को अंडर कवर भी भेजा और सभी ये जो इल्ज़ाम थे ये सत्य पाए गए। ये देखा गया कि वहाँ पे जो डॉक्टर कुलदीप हैं ये वहाँ पे बाहर की दवाइयाँ लिख रहे थे, जबकि जो भी दवाइयाँ वो लिख रहे थे वो सभी अस्पताल में उपलब्ध पाई गई थी। इसके अलावा ये भी देखा गया कि ये जो खून की जांच के लिए बाहर लिख रहे थे वहाँ पे जो लैब है वो भी एस्टेब्लिश्ड है, तो खून की जाँच के लिए बाहर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसके बावजूद लिखा जा रहा था। और जो बाहर पार्ट लैब जहाँ पर भेजा जा रहा था लोगों को, वो अस्पताल का लैब टेक्नीशियन ही चला रहा था, तो पूरा एक नेक्सस संज्ञान में आया है और इसके लिए हम तत्काल एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। डॉक्टर कुलदीप प्रथम दृष्टया और लैब टेक्नीशियन इसमें दोषी पाए जा रहे हैं, तो पूरी विस्तृत जांच भी की जा रही है और इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन में भी लिखा जा रहा है।